एक शख्स को किसी को बिच्छू ने काट लिया था। सहाबे किराम जा रहे थे, कहा बिच्छू ने काट लिया। उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया, शिफा हो गई। सूरह फातिहा से बड़ी कोई सूरत है? सूरतु शिफा है, सूरतु दुआ है, सबे मसानी है, उम्मुल किताब है, फातिहतुल किताब है। कितने नाम है इसके, सूरह फातिहा। लेकिन हमारा हाल तो यह है कि जो आसान है उस पर हमारी तवज्जो ही नहीं है। आका फरमाते हैं अगर अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को हलाक करना चाहता तो ना कभी फातिहा देता ना कभी माह रमजान देता। क्या मैं अपने जौक के मुताबिक कह रहा हूं? अगर हलाक करना चाहता तो अल्लाह इस कौम को कभी फातिहा, फातिहा से मुराद सूरत फातिहा, कभी ना देता। पता चला जहां फातिहा होगी वहां कभी हलाकत नहीं होगी। और 1857 के बाद वाले पूरे कुरान में किसी से नहीं चिढ़ते, वो फातिहा से ही चिढ़ते हैं। अल फातिहा कहो तो तकलीफ, फातिहा पढ़ो तो तकलीफ, कबर पे अल फातिहा तो तकलीफ, अजान से पहले अल फातिहा तो तकलीफ, नमाज के बाद अल फातिहा तो तकलीफ। और हुजूर फरमा रहे कि अगर अल्लाह इसे हलाक करना चाहता फातिहा इस कौम को ना देता। तो फातिहा क्या है? मिफ्ताहुल किताब है ये फातिहा, सूरतुल फातिहा। कहीं हम भी पढ़ते हैं तो फिर ये अल फातिहा से झगड़ा क्यों करते हो? और ये सूरह फातिहा की शान है, सूरह फातिहा की शान है कि सूरह फातिहा को जब जब जिस नीयत से पढ़ो अल्लाह उस मकसद को फौरन पूरा फरमा देता है। अगर कोई बहुत ज्यादा डिंग डांग करता है उसका चेहरा देख करके इस नीयत से सूरह फातिहा पढ़ लो कि ये नरम हो जाए, वो नरम हो जाए, ये मुसखर हो जाए। ये बात है, सूरह फातिहा को समझा क्या? बीमारियां भी इससे जाती है, बलाएं भी इससे जाती है। बारिश नहीं हो रही हो सूरह फातिहा लिख कर उसका एक तरीका है, वो अमल करो बारिश होती है। सूरह फातिहा की बड़ी बरकत, और इसीलिए तो पूरा कुरान नाजिल हुआ शैतान नहीं रोया, पूरा कुरान नाजिल हुआ शैतान नहीं रोया, कुलू अल्लाह ही नहीं रोया, इकरा ही नहीं रोया, बकरा ही नहीं रोया, सूरह तारिका ही नहीं रोया, सूरह यूसुफ आई नहीं रोया, नहीं रोया वो। लेकिन जब फातिहा आई तो रोया, दो मकाम पे बहुत रोया, जबरदस्त रोया। कब रोया? जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तब रोया। और अल्लाह की शान भी देखो, जिससे वो रोया हर सूरत को एक बार नाजिल किया, लेकिन जिससे वो रोया अल्लाह ने डबल डबल नाजिल किया। इसीलिए इसको सबा मसानी भी कहते हैं, दोबारा नाजिल किया, कोई सूरत दोबारा नहीं आई है, कोई सूरत दोबारा नहीं आई है। हर सूरत के मुतालिक इख्तलाफ है, लेकिन पूरी उम्मत का इजमा है कि सूरतुल फातिहा मुकम्मल तौर पे दो मरतबा नाजिल हुई, इसीलिए इसका नाम सबा मसानी है। तो अल्लाह को शैतान का रोना कितना पसंद है कि एक बार नाजिल हुई तो रोया, एक बार नाजिल हुई तो रोया, अल्लाह ने दोबारा फिर नाजिल, तुझे रुलाऊंगा। और इसीलिए उसका रोना अल्लाह को कितना पसंद है कि कोई सूरत इतनी नहीं पढ़वाई जितनी फातिहा पढ़वाई। रोता जा, रोता जा, कोई सूरत इतनी नहीं पढ़ी जाती जितनी सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। देखा नमाज, फरमाया सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं है। हुजूर ने फरमाया सूरह फातिहा, हर नमाज में सूरह फातिहा। और अच्छा अल्लाह ने कंडीशन रखी, पहले फातिहा पढ़ो फिर अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ो, पहले सूरह फातिहा पढ़ो फिर अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ो, हर रिकत में सूरह फातिहा। अब मैं कहता हूं उस पर क्या जादू होगा जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए? कम से कम 40 मरतबा सूरह फातिहा रोज पढ़ेगा, हर रिकत में सूरह फातिहा। और सुन्नियों की मस्जिद में आए तो और बढ़ जाएगा, इसलिए कि हमारे हर नमाज में अल फातिहा भी है। और हम ये सूरह, अच्छा जब अल फातिहा हम कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे, तीन जुमले कहते हैं। इमाम साहब कहते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला, यार पूरा मांग भी नहीं सका, मौलाना ने कह दिया भाई आधा घंटा तो आपको नहीं दे सकते थे ना, औरों का भी ख्याल है, तब क्या करें, सब मांग भी लूं शॉर्ट टाइम में,
तो अल्फातिहा इसीलिए तो कहा कि फातिहा पढ़, सूरह फातिहा पढ़। जिस नियत से पढ़ेगा वो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। बल्कि हदीस पाक में आता है, जो फातिहा पढ़े जिसके पास टाइम शॉर्ट हो, वक्त कम हो, और वो सूरह फातिहा उस नियत से पढ़े, जो मांगेगा वो भी मिलेगा, जो नहीं मांगेगा वो भी अता किया जाएगा। सूरह फातिहा बहुत रोया शैतान जब सूरह फातिहा आई तो, और दूसरी मर्तबा कब बहुत रोया, जब हुजूर की मिलाद हुई तो पता चला इसको चिढ़ है मिलाद से और फातिहा से, इसको चिढ़ है मिलाद से और फातिहा से। फिर सुन्नियों ने उस दिन से ठान लिया, शैतान जी अगर आपको तकलीफ है मिलाद और फातिहा से, हम कुछ करें ना करें फातिहा भी करते रहेंगे, मिलाद भी करते रहे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्ते फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। फातिहा पढ़ते रहो जादू से बचते रहो, फातिहा पढ़ते रहो हासिद फातिहा से, फातिहा मारे यही अल्फात सूरतुल फातिहा, और कौन सी फातिहा लाएंगे, फातिहा से मुराद सूरह फातिहा, ये फातिहतुल किताब है। सारी किताबों के मजामीन तौरात इंजील जबूर सहाफ सब के मजामीन कुरान में जमा, पूरे कुरान के मजामीन अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में जमा फरमा दिया। और आगे बढ़ के ये भी कहा कि सूरह फातिहा के सारे मजामीन बिस्मिल्ला में जमा है, और बिस्मिल्ला के सारे मजामीन बिस्मिल्ला की बा में जमा है, और बिस्मिल्ला के बा के सारे मजामीन बा के नुक्ते में जमा है, और मौलाए कायनात कहते हैं अली बा के नीचे के नुक्ते का नाम है। तो लोगों को जादू से बहुत दिलचस्पी है, अहले बातिल को डरने की कोई जरूरत नहीं, जादू ने करना कि हमारे पास कुरान है, कुरान ईमान मजबूत करो, कुरान है, सूरह फातिहा का दामन पकड़ो, सूरतुल फलक सूरतुन नास इन सूरतों की आदत डालो।